नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान फसल विविधीकरण को अपना करके और अग्रसर होकर के सरकार की जल बचाओ मुहिम में अपना योगदान दें। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के पंचायत भवन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सिरसा ब्लॉक के किसानों में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सीधा संवाद करते हुए कहा कि धान में मेरा दुश्मन नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे पानी से प्यार है। भावी पीढ़ी को विरासत में अगर पानी देना है तो हमें आज से संभलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए और उसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य किसानों के लिए धान की बजाय दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसान फसल विविधीकरण की ओर अग्रसर होकर के सरकार की जल बचाओ मुहिम में अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों पर योजना थोपने के लिए नहीं है बल्कि भूमिगत पानी को बचाने की है। जिन क्षेत्रों में भूमि जल स्तर 40 मीटर से नीचे है उन क्षेत्रों में किसान को धान न लगाने के लिए आह्वान किया गया है ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो, इसके साथ साथ किसान की भूमि भी उपजाऊ बनी रहे। अब तक योजना के तहत किसानों ने 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान की बजाय दूसरी फसल लगाने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने किसानों को जल बचाओ मुहिम के तहत टपका सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि किसानों को टपका सिंचाई पर 85% अनुदान भी दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। मित्रों, आज मेरा एक विषय विशेष को लेकर के आना हुआ। जैसा हम कई दिनों से सुन रहे होंगे कि हरियाणा में एक मुहिम हमने चलाई है कि जो हमारा पानी का संकट है इसको कम करने के लिए एक तो तरीका है कि जहाँ जहाँ से पानी हमको मिलना है उस पानी को हम हरियाणा में कैसे लाए, उसमें चाहे एसवेल की बात है, चाहे हाँसी उड़ाना की बात है, और चाहे लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, इन डैम से हमारे हिस्से का पानी हमको मिले। और दूसरा पार्ट है कि जो हमारे पास पानी है इसका प्रबंधन हम ठीक से करें। तो उस प्रबंधन में पहली बार 30 साल के बाद हमने दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर ये पानी पहुंचाया। 300 टेल ऐसी थी जहाँ 25-25-30 साल से पानी नहीं पहुंचा था, हमने वहाँ तक भी पानी पहुंचाया। वर्षा का पानी है वो भी वहाँ तक पहुँचे और आगे पीछे भी अगर थोड़ा पानी सरप्लस है तो वहाँ तक हम भेजते हैं। साथ ही ग्राउंड वाटर, इसको जो लगातार हम दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके कारण से लेवल 12 साल के अंदर डबल गहराई हो गई है पानी की, यानी 2 times डीप पर ये पानी हो गया है। अब इस स्पीड से अगर चलते रहे तो आने वाले 10-12 साल के बाद जहाँ आज 40 मीटर गहरा है वहाँ 80 मीटर हो जाएगा, जहाँ आज 60 मीटर है वहाँ 120 मीटर हो जाएगा। तो ये पानी की जो इतनी गहराई बढ़ती जा रही है इससे हमारा जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है भूगर्भ में। आने वाली पीढ़ी उसको हम केवल ज़मीन जो है रेतीली ज़मीन तो दे के जाएंगे, उनको पानी नहीं दे के जा सकते। तो पानी अगर दे के जाना है तो आज जितना पानी हमारे पास उपलब्ध होता है, जितना ज़मीन के अंदर जाता है, उतने से ज़्यादा पानी हम ना निकालें, उस पानी को निकालने की स्पीड कम करें। इसलिए हमने 40 मीटर से नीचे जहाँ पानी चला गया उन किसानों को कहा कि धान जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। हमने अपील किया कि इस बार आधा धान बोना चाहिए। अब जिन इलाकों में कठिनाइयाँ हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ फ्लड एरिया है, या फ्लड एरिया नहीं है तो ज़मीन ऐसी होगी कि वहाँ धान के अलावा कुछ होता नहीं है। ऐसी सब समस्याओं को ध्यान करते हुए कुछ योजना हम बना रहे हैं। एक तो रिचार्जिंग बोर्स ये हम बनाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से प्लानिंग बन रही है और बहुत जल्दी ये रिचार्जिंग बोर हम बरसात से पहले हम लगवा देंगे। एक रिचार्जिंग बोर में 3-4 दिन लगते हैं तो एक साथ कई टीमें उतार करके ऐसे कोई 1,000 बोर्स ये पूरे हरियाणा में हम लगाने की योजना बना रहे हैं। कितने बना पाएंगे ये समय के ऊपर है, वर्षा कब आती है, मानसून पहले आती है कि लेट आती है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही जो फसलें अल्टरनेटिव इस नाते से हमने बताई हुई हैं जिसमें कपास भी है, मक्का है, इसमें तिलन है, इसके अंदर दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, हॉर्टिकल्चर की कई वैरायटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी हमने ओपन किया कि हाँ ये बोएंगे 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनको अतिरिक्त उसका पैसा मिलेगा, उनको एक प्रकार से सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा, भरपाई मिलेगी, जो भी नाम उसको दे दें। और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उन फसलों का बीमा भी हम फ्री में कराएंगे, ये उनको एक विषय दिया। और आने वाले समय में मक्का है, दालें हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी प्रोक्योरमेंट भी सरकार करेगी, पूरी प्रोक्योरमेंट उसमें करेंगे। तो
इस प्रकार से सारी योजना 8 ब्लॉक्स ऐसे छाटे हैं जिन किसानों से मेरी सीधी बात हुई है, इन लोगों ने स्वीकार किया है, बहुत से लोगों ने कि हाँ हम इस लाइन पर आने के लिए तैयार हैं। जानकारी के लिए अभी इस समय तक लगभग 42,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम को स्वीकार कर लिया है, फार्म भर दिए हैं और लगभग 55,000 हेक्टेयर, हमारा टारगेट 1,00,000 हेक्टेयर का है, 55,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर धान ना बो करके अन्य फसलें बोएंगे, ये इस समय तक पोर्टल पर चढ़ गया है। लगातार पोर्टल पर लोग अपने आप चढ़ा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा टारगेट 1,00,000 करोड़ का मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है धान की बुआई का। इस बहुत सुझाव और भी आए हैं, एक सुझाव ये आया है कि ज़्यादा देर तक की जो धान की किस्में हैं, ज़्यादा देर में जो पकती हैं उनको बैन किया जाए और जल्दी जो